प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर छागा द्वारा कलेक्टर जिला जसपुर छागा विषय ग्राम बाला छापर जिला जसपुर की घटना के असली गुनाहगारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और ईसाइयों को झूठे केस में जेल न भेजे जाने के निर्देश बाबत माननीय महोदय आपका ध्यान ग्राम बाला छापर थाना व जिला जसपुर में हाल ही में घटित घटना की ओर आकर्षित किया जा रहा है। दिनांक 6 जून 2023 को ग्राम बाला छापर स्कूल पारा की हीरामोनी बाई पति स्वर्गीय सोहन के घर में उसकी बेटी सिस्टर विवाह बाई उर्फ विवाह क्रिकेटा के कैथोलिक ईसाई नन बनकर प्रथम बार अपने घर आने पर शाम 6 बजे ईसाई धर्म विधि अनुसार पवित्र मिस्सा का आयोजन किया गया। यह अनुष्ठान जसपुर शांति भवन के कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा संपन्न किया गया जो लगभग 45 मिनट तक चला। इसमें वह धर्म विधि संपन्न की गई जो सभी कैथोलिक जगहों में प्रत्येक रविवार को एवं अन्य सामान्य अवसरों पर की जाती है। इस कार्यक्रम में सिस्टर विवाह बाई उर्फ विवाह क्रिकेटा के सगे संबंधी उपस्थित थे, साथ ही गांव के कुछ लोग उत्सुकतावश भी कार्यक्रम देखने के लिए आए थे। एकत्र लोगों को की संख्या लगभग 40-50 रही होगी। पवित्र मिस्सा के बाद सिस्टर विवाह बाई उर्फ विवाह क्रिकेटा के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम हुआ। उपस्थित कुछ लोगों ने अपने संबोधन में विवाह बाई और विवाह क्रिकेटा को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। सिस्टर विवाह बाई और विवाह क्रिकेटा ने उपस्थित लोगों को अपना आभार प्रकट किया। यह कार्यक्रम भक्तिमय और शांत माहौल में संपन्न हुआ। उसके बाद सबके लिए भोजन परोसा गया और भोजन करने के बाद परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी सभी लोग वापस चले गए। अतिथियों के वहां से वापस जाने के बाद रात्रि 9 बजे के लगभग रायमुनि भगत अध्यक्ष जिला पंचायत, कृपा शंकर भगत पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गंगाराम भगत सरपंच ग्राम पंचायत पूर्णानगर, दुर्गा देवी पति गंगाराम भगत पूर्णानगर, अरविंद भगत, पप्पू सिन्हा, पप्पू ओझा, वेद प्रकाश तिवारी निवासी जसपुर सहित लगभग 30 लोग चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिलों में वहां आए और धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर शोर मचाने लगे। उन्होंने विवाह बाई विवाह के डेटा के परिवार वालों से कहा कि चंगाई सभा करने के लिए आपने किससे परमिशन लिया था। उन्होंने वेदी पूजा टेबल पर रखे सामानों को भी चितर बितर कर दिया और तोड़फोड़ किया। विवाह भाई और विवाह क्रिकेटा के दृष्टिबाधित मामा दिनेश को धमकी देते हुए कहा कि वह तो स्वयं ईसाई बन गया और क्यों दूसरे को ईसाई बना रहा है। अगर उसने ऐसा करना नहीं छोड़ा तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे और जान से मार कर फेंक देंगे। रायमुनि भगत ने हीरामुनि भाई पर हमला कर धक्का मुक्की करते हुए उसका गला दबाया, थप्पड़ मारा और गले की रोजरी माला को तोड़ दिया। रायमुनि भगत ने विवाह भाई और विवाह करके क्रूस वाले चेन को खींचा और गंदी गंदी गाली देते हुए नन के परिधान वाली साड़ी के संबंध में उसे अपमानजनक रूप से कहा कि उसने विधवा वाली सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है। उन्होंने परिवार के राशन कार्ड छीन लिए और कहा कि उन्हें शासन से सुविधा मिलने नहीं चाहिए क्योंकि वे ईसाई बन गए हैं। उन्होंने सिस्टर विवाह भाई और विवाह क्रिकेटा को घेर कर एक घंटे तक उल्टे सीधे सवाल पूछकर और गंदी गंदी गाली देकर प्रताड़ित किया। इतना करने के बाद उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वहां रात लगभग 10 बजे आई। पुलिस दल में कोई भी महिला पुलिस नहीं थी। रात लगभग 12 बजे सिस्टर विवाह भाई उर्फ विवाह क्रिकेटा, सिस्टर विवाह की माँ हीरामणि बाई, सिस्टर विवाह के मामा दिनेश, फूलवती विश्वकर्मा और सचिन राम को पुलिस वैन में बैठाकर जसपुर ले जाया गया।
ले जाकर उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। उन्हें पूरी रात लॉकअप में रखा गया। उन्होंने बाला छापर जाकर उधम मचाया था। वे लोग थाना परिसर में चक्कर लगाते ही हुए निगरानी कर रहे थे। दूसरे दिन अर्थात 7 जून को भी उन्हें पुलिस लॉकअप में ही रखा गया। शाम लगभग 5 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सिस्टर विवाह के मामा दिनेश को दृष्टि बाधित होने के कारण जमानत दे दी गई और बाकी लोगों को जेल भेज दिया गया। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई अनेक सवाल खड़ी करती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का समय 6 जून 2023 को 8:55 बजे अंकित किया गया है। यदि उसी समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ तो पुलिस को उसके बाद बाला छापर जाकर विवेचना करनी चाहिए थी और आई कार्यवाही होनी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले वहां भीड़ में जाकर उत्पात मचाया और उसके बाद उनके बुलाने पर पुलिस वहां आई। क्या वह भीड़ वहां पुलिस की जानकारी में या उसकी सहमति से गई थी या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा गया था? यदि महिलाओं को गिरफ्तार भी करना था तो उनकी गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस क्यों नहीं थी? नियम कानून को ताक में रखकर महिलाओं को रात में क्यों उठाकर थाना लाया गया? प्रथम सूचना रिपोर्ट में 2 धाराएं लगाई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 195A और धारा 153A। ये दोनों धाराएं निम्नलिखित अपराधों से संबंधित है। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये है धारा 295A भादवी। एक और धारा है धर्म जाति जन्म स्थान निवास भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बिगाड़ना, धारा 153A भादवी। जिन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया उनमें से किसी ने भी इस तरह का अपराधीकृत नहीं किया है। झूठा केस बनाकर उन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ईसाई द्वारा अपने विश्वास एवं आस्था के अनुसार किसी निजी स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने पर एक धर्म विशेष के तथाकथित ठेकेदारों के उत्पात मचाने पर उनके दबाव में आकर पुलिस द्वारा इन्हीं धाराओं के तहत झूठे आपराधिक केस दर्ज कर ईसाई धर्मावलंबी को जेल भेज देती है, जो कि कानून का दुरुपयोग और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का घोर उल्लंघन है। बाला छापर में हीरामुनि भाई के भाई के घर में उपद्रव मचाने वाले रायमुनि भगत अध्यक्ष जिला पंचायत और उनके साथियों के विरुद्ध 12 जून को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। अतः आपसे यह निवेदन है, बाला छापर जसपुर में रायमुनि भगत जिला पंचायत अध्यक्ष कृपा शंकर भगत पूर्व जिला पंचायत सदस्य गंगाराम भगत सरपंच ग्राम पंचायत पूर्णानगर देवी दुर्गा देवी पति गंगाराम भगत पूर्णानगर अरविंद भगत पप्पू सिन्हा पप्पू ओझा वेद प्रकाश तिवारी निवासी जसपुर सहित लगभग 30 उपद्रवियों द्वारा रात में पीड़ितों के घर में घुसकर उपद्रव मचाने धार्मिक सामग्री को चित्राने तोड़फोड़ करने शारीरिक हमला करने धक्का मुक्की करने गले की पवित्र माला को तोड़ने और धार्मिक चिन्ह वाले चेन को छीनने हाथ पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने गंदी गंदी गाली देने प्रताड़ित करने के अपराधी कृत के लिए उनके विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कर रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानून कार्रवाई किया जाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक जिला जसपुर को देवे। प्रदेश के समस्त जिले के पुलिस अधिकारियों को यह कड़ा निर्देश देवे कि ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा अपने विश्वास एवं आस्था अनुसार किसी निजी स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने पर उपद्रवियों के दबाव में आकर निर्दोष ईसाइयों पर झूठे केस न दर्ज करें वरन उत्पातियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करें। बाला छापर में उपद्रव मचाने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 7 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ईसाई आदिवासी महासभा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा।
आशा है माननीय महोदय हमारे निवेदन को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही के निर्देश देंगे। धन्यवाद। तो मैं भेदभाव फैलाती है उसे हटा दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। ईसा आदिवासी महासभा का जो मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन है एसडीएम मैडम के द्वारा, उसे प्रस्तुत करते हुए हमारे ईसा आदिवासी महासभा के समस्त पदाधिकारीगण